बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुअज़्ज़म अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको किसी भी वाटर टैंक की जो कैपेसिटी होती है कि किसी टैंक के अंदर कितने लीटर्स या कितने गैलन्स पानी आएगा या आ सकता है, वो कैपेसिटी मालूम करने का तरीका बताऊँगा। तो फ़र्ज़ करिए, ये हमारे पास एक टैंक है जिसकी अंदरूनी जो लेंथ है वो 8 फुट है, अंदरूनी चौड़ाई 6 फुट है और अंदरूनी जो डेप्थ है या हाइट है वो 5 फीट है। तो सबसे पहले तो हमें इसका अंदरूनी वॉल्यूम मालूम करना पड़ेगा, जिसके लिए आप करेंगे जी लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, यानी कि लेंथ है 8 फीट, विड्थ है 6 फीट और हाइट या डेप्थ है 5 फीट, 8 × 6 × 5, जो कि आंसर आ रहा है 240 क्यूबिक फुट, 240 मकाब फुट अंदरूनी वॉल्यूम आ रहा है इस टैंक का। तो अगर आप चाहते हैं जी कि इसकी कैपेसिटी लीटर में मालूम करें, तो ये जो वॉल्यूम निकला है 240 क्यूबिक फुट, इस वॉल्यूम को आपने ज़रब दे देनी है 28.32 के साथ, 28.32 के साथ, क्योंकि हम जानते हैं एक क्यूबिक फुट जगह में 28.32 लीटर पानी जो है वो समा सकता है या आ सकता है। तो हमने 240 ज़रब 28.32 किया तो आंसर आ रहा है जी 6796 लीटर, यानी कि इस टैंक के अंदर 6796 लीटर पानी आ सकता है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि गैलन्स में भी इसकी कैपेसिटी पता चल गया है, लीटर में तो हमें पता चल गई, गैलन्स में भी मालूम करना चाहते हैं, तो आपने सिंपली जो लीटर्स की मकदार क्वांटिटी निकली है 6796, इसको आपने डिवाइड कर देना है 4.54 के साथ, क्योंकि एक जो गैलन होता है उसमें 4.54 लीटर पानी आता है। तो हमने 6796 को तकसीम किया 4.54 के साथ, तो ये आंसर हमारा आ गया 1496 गैलन। तो ये जो हमारा पास एक टैंक था जिसकी लेंथ 8 फीट थी, विड्थ 6 फीट थी, डेप्थ 5 फीट थी, इसके अंदर 6796 लीटर या 1496 गैलन पानी आ सकता है।